दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले किस तरीके से आप बैंक वाला के हेल्पलाइन नंबर को अपने मोबाइल से डायल कर सकते हैं। अगर आपको अपना एटीएम कार्ड एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर आपको डायल करना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेंगी। उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर आकर यहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन को एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको अपने बैंक का जो कम्प्लीट प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा। वहाँ पर आपकी कम्प्लीट जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन मौजूद है। तो एक बार इस प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर करें। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने जो है गूगल क्रोम पर करना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें जो है सिंपली आपने गूगल ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है टेक विद सईद, या इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली जो है टेक विद सईद वेबसाइट पर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आ गया है। तो सिंपली आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो ऊपर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये बैंक्स का सेक्शन है, इसमें जो है बैंक हेल्पलाइन है, आपने सिंपली इस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो ये जो सेक्शन है आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे बैंक के जो हेल्पलाइन नंबर है, या हम इसे कुछ ईजी तरीके से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। आपने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है जो भी आपका बैंक है, यहाँ पर आपने सिंपली टाइप करना है। जैसे कि मैं UBL बैंक टाइप करता हूँ, उसके बाद जो है हेल्पलाइन, तो ये मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद जैसे ही मैं इंटर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जो है UBL बैंक का हेल्पलाइन नंबर ये आ गया है। तो सिंपली इस पोस्ट पर मैं क्लिक कर लूँगा, तो इस पोस्ट पर क्लिक करने के बाद ये जो है लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आर्टिकल है हमारे सामने ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट में देख सकते हैं आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर। ये काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रीड कर सकते हैं। के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर कंप्लीट दिए हुए हैं, किस तरीके से आप मोबाइल से डायल करेंगे, या ओवरसीज़ के लिए क्या जो है कौन सा हेल्पलाइन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, तमाम मालूमात जो है इन आर्टिकल्स में आपको मिल जाएगा। तो यही थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।